हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा नाश्ता जिसे आप एक सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात इस नाश्ते को गेहूं के आटा और हरे मटर से बनाकर तैयार करेंगे और ये नाश्ता बहुत ही कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाता है तो देर किस बात की चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं एक मिक्सर जार और इसमें हम डाल लेंगे एक कप हरा मटर तो अभी मटर के सीज़न है तो आप मटर से तरह तरह की रेसिपी बना सकते हैं मटर से मैं बहुत सारा रेसिपी बनाई हूँ मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और अब इसमें हम डाल लेंगे एक इंच अदरक अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं और दो हरा मिर्च डाल दिए हैं और जार के ढक्कन बंद करके इसको हम पीस लेंगे तो इसे ना मोटे में पीसीएगा यानी कि दरदारा ही पीसना है तो ये देखिए इसको हम पीस कर ले आए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ उठाकर पास से चम्मच से देखिए इसी तरह से मोटे में पीसना है यानी कि दरदारा ही पीसना है तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ गैस पर हम रख लिए हैं एक कढ़ाही आप यहाँ पर एक कढ़ाही या पैन ले सकते हैं और इसमें हम डाल लिए हैं एक चम्मच तेल, तेल को गरम होते ही इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और साथ में ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच सौंप सौंप से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है है तो जरूर डालिएगा और इसी के साथ इसमें हम डाल लेंगे दो से तीन बारीक कटा हुआ लहसुन के कली आप लहसुन खाते हैं तो डालिएगा नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा और इसे चलाते हुए थोड़ी देर पका लेना है इसका कच्चा पन जाने तक इसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो मटर अभी हम पीस के रखे थे उसे और मटर डालने के बाद अब हम गैस के फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको डेढ़ से दो मिनट तक पकाएंगे ताकि मटर के जो कच्चापन है ना वो चला जाएगा तो ये देखिए इसे पकाते हुए दो मिनट हो गया है इसका कलर चेंज हो गया है मटर के तो इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे एक कप पानी पानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालिएगा बस एक कप ही पानी डालना है पानी डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च और इसी के साथ डाल देंगे एक चौथाई छोटा चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे तो यहाँ ना नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा और इसी के साथ बारीक कटा हुआ इसमें हम डाल दिए हैं धनिया पत्ता और अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसे चलाने के बाद गैस के फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसमें उबाल आने देंगे इसमें उबाल आ रहा है तब तक हम आगे के तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लिए एक बड़ा सा बाउल और इसमें हम डाल लेंगे एक कप गेहूं के आटा जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं ना वही वाला ये आटा है और इसी के साथ इसमें हम डाल लेंगे दो चम्मच सूजी तो सूजी यहाँ पर आप मोटे वाला या बारीक वाला कोई सा भी ले सकते हैं और साथ में ही हम इसमें डाल लेंगे दो चम्मच बेसन तो बेसन ना यहाँ पर दो चम्मच ही डालिएगा ज़्यादा नहीं डालना है और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लिए हैं तो चलिए अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तरफ तो यहाँ गैस पर इसमें देखिए उबाल आने लगा है तो अब हम जो आटा अभी मिक्स करके रखे थे ना उसको हम इसमें डाल देंगे और हाँ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आटा डालते ही गैस के फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाना है तो इसे इसी तरह से चलाते हुए तीन से चार मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकाएंगे यानी कि जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता है तब तक इसे पकाना है तो ये देखिए इसे पकाते हुए यहाँ पर हमें तीन से चार मिनट हो गया है और ये डो फॉर्म में आ गया है आप देख सकते हैं कड़ाही को बिल्कुल छोड़ दिया है तो अब हम गैस के फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे और यहाँ पर हम ले लिए हैं एक टिफिन बॉन ok तो ये टिफिन बॉक्स मेरा बेटा स्कूल लेकर जाता है वहीं भला ये टिफिन बॉक्स है आपके पास इस तरह के कोई टिफिन बॉक्स है तो ले लीजिएगा नहीं तो इस तरह का कोई ट्रे है या केक टिन है तो वो भी ले सकते हैं या इस तरह की कोई प्लेट है जिसका किनारा इस तरह से ऊँचा हो यानी कि उठा हुआ हो तो इस तरह के बर्तन आप ले लीजिएगा और इस टिफिन बॉक्स में हम अच्छे से तेल लगा लिए हैं आप तेल या घी इसमें अच्छे से लगा लीजिएगा ताकि जब इसमें हम नाश्ता बनाएंगे तो ये नाश्ता इसमें चिपकेगा नहीं तो अभी जो हम डो बनाए थे ना यानी कि जो डो अभी हम पकाए थे उसे हम इस टिफिन बॉक्स में डाल लेंगे तो डो को गैस पर से उतारते ही इस टिफिन बॉक्स में डाल लेना यानी कि गर्म में ही डाल लेना है ठंडा होने पर नहीं डालिएगा नहीं तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा और डालने के बाद इसको अच्छे से टिफिन बॉक्स में फैला लेंगे और इसके बाद यहाँ पर चम्मच या कटोरा या ग्लास लेंगे और उससे अच्छे से इसको चिकना ऊपर से कर देंगे यानी कि अच्छे से सेट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम ले लिए हैं आधा छोटा चम्मच उजला वाला तिल इस तिल को ना इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा इसके बाद अब हम इस तरह से चम्मच से दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे ताकि ये तिल इसमें अच्छे से चिपक जाएगा और अब हम इसको इसी तरह से एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट से हो जाएगा ठंडा होने के बाद नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो ये जल्दी ठंडा होकर सेट हो जाएगा तो ये देखिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे और फ्रिज में से हम आधे घंटे बाद निकाल लिए हैं तो ये ठंडा हो गया है तो अब इसको हम कट कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक चाकू लिए हैं और इस चाकू के मदद से यहाँ पर इसको हम स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं तो यहाँ पर ना आप अपने पसंद के कोई सा भी शेप दे सकते हैं ट्रायंगल शेप या बर्फी के शेप जो शेप आपको पसंद है वो शेप आप दे सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम कट कर लिए हैं और आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये देखिए कितना प्यारा सा शेप आया है और स्मूथली ये कट हो गया है आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में भरकर एक सप्ताह के लिए और जब भी आपको खाने का मन हो तो इसे आप से फ्राई या डीप फ्राई करके खा सकते हैं और शाम के टाइम में अगर कोई मेहमान आ जाए तो झटपट आप इसे फ्रिज में से निकालिए और फ्राई करके चाय के साथ सर्व कर सकते हैं तो ये देखिए इसी तरह से सभी को हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसको लेकर हम आ गए हैं गैस के तरफ तो यहाँ गैस पर एक पैन में हम दो से तीन चम्मच तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिए थे तेल अच्छे से गरम हो गया था तो गैस के फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर दिए हैं और जो हम नाश्ता बनाए हैं उसे एक एक करके सावधानी से इस तेल में हम डाल लेंगे और हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा गैस के फ्लेम लो नहीं रखना है लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये वॉयली हो जाएगा इसे आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाइएगा और हाँ डालते ही इसे नहीं पलटना है डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके पलट लेंगे और इसी तरह से पलटते पलटते हुए दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक पका लेना है यानी क्रिस्पी होने तक पका लेंगे तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है यानी कि क्रिस्पी हो गया है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सभी को बना लिए हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जय हिंद जय जै भारत